रेडी। क्वेश्चन नंबर 17। हीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक कैटल इज मेड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी। इट टेक्स 4 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg वाटर बाई 40 केल्विन। दिस हीटर इज रिप्लेस्ड बाई न्यू हीटर हैविंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ईच ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर 2d। द वे दीज वायर्स आर कनेक्टेड इज गिवन इन द ऑप्शन। हाउ मच मिनट टाइम इन मिनट्स विल टेक टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाई 40। अब देखो, अगर हमने लेंथ और डायमीटर और जो बाकी दो वायर्स लिए हुए हैं उनका लेंथ सेम है, डायमीटर 2d कर दिया है, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि डायमीटर अगर 2d कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा और रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये समझना कि ये जो वायर था इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो ये जो वायर्स हैं इनका रेजिस्टेंस r/4 है, बट ये दो वायर्स हैं, ठीक है। अब टाइम टेकन बाई वाटर टू राइज इन टेम्परेचर बाई 40 केल्विन, ये कैसे निकलेगा? तो देखो, हीट लॉस को हम लोग लिखेंगे ms∆T। और ये हीट लॉस इस पर्टिकुलर केस में v²/r के इक्वल होगा, क्योंकि हमने सप्लाई सेम रखी हुई है तो वोल्टेज सेम है, ठीक है। और अगर हम टाइम टेकन देखें भाई टाइम कितना लगेगा, तो इसमें मान लेते हैं ∗ t कर सकते हैं। तो आप यहां से देखो, अगर ध्यान से, इन दोनों सिचुएशन में वाटर सेम है, वाटर का राइज इन टेम्परेचर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो यहां से निकल के आएगा कि जो टाइम टेकन है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस आर है तो टाइम टेकन 4 मिनट्स है। अब आगे ऑप्शन पढ़ो, तो कह रहा है कि टाइम टेकन विल बी 4 इफ वायर्स आर इन पैरेलल। तो देखो, वायर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे r/4 r/4, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा r/2, यानी रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हाफ होगा तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, तो ये 4 से सीधे सीधे 2 हो जाएगा। देखिए क्यों भाई, अगर दोनों वायर्स को हम, अच्छा दोनों वायर्स को पैरेलल में ले रहे हैं, तो देखो अगर हम दोनों वायर्स को पैरेलल में ले रहे हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, तो पैरेलल में लेने का मतलब है कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू r/4 × 1/2 हो जाएगी, यानी r/8। तो r/8 का मतलब है दैट इज 1/8, तो हेंस टाइम भी जो लगेगा वो 4/8 हो जाएगा। 4/8 का मतलब है 0.5 मिनट्स, ठीक है। और अगर हम वायर्स को सीरीज में ले रहे हैं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी r/4 + r/4, यानी कि r/2 का मतलब पहले से कंपेयर करें तो 1/2, तो इसलिए टाइम भी इसका 4/2 हो जाएगा। 4/2 का मतलब 2 मिनट्स। तो इस हिसाब से आप देखो तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा और ऑप्शन डी करेक्ट आएगा।